ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। आरा सदर अस्पताल में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का इजाफा हो गया। आज सदर अस्पताल के उपाधीक्षक अरुण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर 13 एम्बुलेंस को आम आवाम के लिए रवाना कर दिया। इस एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट जैसे सभी उपकरण मौजूद है। क्या सुविधाएं उससे लैस की एम्बुलेंस की, ये बताइए सर। इसमें क्या बेसिक एडवांस लाइफ सपोर्ट में उसमें जैसे कि उसमें मॉनिटर वगैरह है, कार्डिक मॉनिटर है, ऑक्सीजन तो सब में है, और इसमें डिफिब्रिलेटर भी रहता है, इसी मशीन रहता है, और बाद भी कार्डिक मॉनिटर लेकर होता है, ये सब करके भी मरीज को जगह पर पहुँचाया जाता है। बिहार सरकार द्वारा सर पेशेंट है, तो सीरियस पेशेंट को अगर भेजना है ट्रांसपोर्टेशन में, उसको लाइफ सपोर्ट देते हुए, लाइफ सपोर्ट जैसे ऑक्सीजन हुआ और ईसीजी मॉनिटरिंग होते रहता है उसमें, और उसमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग ट्रेंड ईएमटी भी रहते हैं, जो कि उनको हर चीज़ मालूम है कि कब क्या करना है, कौन दवा देना है, और ऑक्सीजन तो बेस ऑक्सीजन को चलते हुए मरीज को एडवांस जगह में देते हैं। आरा सदर अस्पताल को सर इसमें कितना एम्बुलेंस मिला ये बताइए। एम्बुलेंस पूरे तो आरा का ही है ना, हम लोग को यहाँ रखना होगा, कुछ जगह स्कूल में देंगे और जहाँ जहाँ एडवांस पड़ा, और बेसिक जो है तो वो और जगह जहाँ ज़्यादा पुराना हो गया है पता करके अभी दिया जाएगा, फिर और आएगा तो और बढ़ा जाएगा। अभी बिहार सरकार द्वारा कुल कितना एम्बुलेंस भोजपुर को दिया गया है? 13 भान भी है उसमें, एक मौसरी भान भी एक दिया गया है। अभी आपने कहा कि सर जो हाईटेक एम्बुलेंस है जिसमें ईसीजी या कुछ मशीन है उसमें लगा हुआ है, तो क्या उसमें कोई अतिरिक्त डॉक्टर भी रहेंगे मरीज को आने जाने ले जाने के लिए?